आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के माता पिता के खिलाफ एफआईआर तब दर्ज की गई जब मनोरमा खेड़कर द्वारा कुछ लोगों को बंदूक से धमकाने का वीडियो वायरल हो गया। समाचार एजेंसी एएनआई ने शनिवार को बताया कि पुणे ग्रामीण पुलिस ने एक किसान की शिकायत के आधार पर मनोरमा खेड़कर, दिलीप खेड़कर, विवादास्पद प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के माता पिता और पांच अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसे मनोरमा ने धमकी दी है। पुणे जिले के मुलशी तालुका में उनकी मां मनोरमा द्वारा बंदूक लहराने और कथित तौर पर ग्रामीणों को धमकाने निरीक्षक मनोज यादव के हवाले से कहा, शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप भी शामिल किए गए हैं। मनोरमा खेड़कर द्वारा बंदूक से लोगों के एक समूह को धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। से विवादास्पद नौकरशाह पूजा खेड़कर की मुश्किल बढ़ गई है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार शाम को कहा कि तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की जाएगी, जिसमें यह भी शामिल होगा कि क्या उसके पास बंदूक का लाइसेंस था। पुलिस ने मनोरमा खेड़कर, दिलीप खेड़कर, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के माता पिता और पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एक स्थानीय किसान की शिकायत के आधार पर कल रात पोर्ट पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। स्थानीय लोगों ने दावा दिया था कि खेड़करों ने पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया है।